आज हम पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्दों के बारे में। पर्यायवाची शब्दों को इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं। जिन शब्दों के अर्थों में समानता होती है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलो कुछ इसके उदाहरणों को समझते हैं। ठंडा और शीत। ठंडा और शीत का अर्थ लगभग समान होता है, इसलिए ये पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है गरम और तृप्त। गरम और तृप्त का भी अर्थ समान होता है, इसलिए ये भी पर्यायवाची हैं। गुस्सा और क्रोध। गुस्सा और क्रोध का अर्थ भी समान है। अगला उदाहरण है अनेक और बहुत। अनेक और बहुत का भी अर्थ समान होता है। मुस्कान और हंसी। मुस्कान और हंसी भी पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका मतलब एक ही है। नींद और झपकी। नींद और झपकी का मतलब लगभग समान होता है। नींद लंबे समय तक सोना होता है, जबकि झपकी छोटे समय के लिए सोना होता है। भंडार और दुकान। भंडार और दुकान का मतलब भी लगभग समान होता है। भंडार दुकान से बहुत बड़े होते हैं और दुकान छोटी होती है, पर दोनों से ही हम सामान खरीद सकते हैं, तो इनका मतलब समान है। बड़ा और विशाल। बड़ा और विशाल दोनों ही पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका मतलब समान है। छोटा और लघु भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। भयभीत और डरना। भयभीत और डरना भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका अर्थ समान है। उपहार और भेंट। उपहार और भेंट का मतलब एक ही है, तो ये भी पर्यायवाची होते हैं। घर और मकान। घर और मकान का अर्थ भी लगभग समान है, तो ये भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो समझे बच्चों, जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है या जिनका अर्थ समान होता है उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। चलो एक खेल खेलते हैं। इसमें हमें दो समान शब्दों को चुनना है जो एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अच्छा, हंसना और महान। बिल्कुल सही, अच्छा और महान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका अर्थ लगभग समान है। तेज, जल्दी और आदेश। बिल्कुल सही बच्चों, तेज और जल्दी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अगले शब्द हैं बीमार, खराब और अस्वस्थ। बीमार और अस्वस्थ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका मतलब एक ही होता है। अगला उदाहरण है खुश, सुन्ना और प्रसन्न। एकदम सही, खुश और प्रसन्न एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। आखिरी बार, सुंदर, उदार और आकर्षक। शाबाश बच्चों, सुंदर और आकर्षक एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, क्योंकि इनका मतलब एक ही है। आज के अध्याय में बहुत मजा आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।